हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे आपको अपने रिटर्न की प्रोसेसिंग स्टार्ट करवानी है, कैसे आपको ग्रीवेंस फाइल करना होगा और कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर चेक करेंगे अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, तब आपको यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करनी होंगी, और अगर सारी चीज़ें करेक्ट हैं, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं मिलती है, तो किस तरह से आप उसके लिए ग्रीवेंस डालेंगे। अगर आपके ITR की प्रोसेसिंग रुकी हुई है तो उसके लिए ग्रीवेंस अलग मेथड से रेज किया जाता है, लेकिन अगर आपका रिफंड रुका हुआ है, ITR प्रोसेस हो चुकी है, आपका रिफंड रुका हुआ है, तो उसके लिए ग्रीवेंस डालने का प्रोसेस अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं या क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है अगर आपका ITR प्रोसेस हो चुका है लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया है। तो सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे, incometax.gov.in। यहाँ पर आकर सबसे पहले तो आपको अपना रिफंड स्टेटस चेक करना है। यहाँ साइड में आपको क्विक लिंक्स मिलते हैं जहाँ पर आपको सबसे एंड में मिलेगा नो योर रिफंड स्टेटस, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर देना है, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2023-24, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर देंगे जिस पर कि OTP आएगा। नीचे कंटिन्यू करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आ जाएगा और OTP को डालते ही आपको आपके रिफ़ंड का स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका रिफ़ंड अभी तक इशू किया गया है, SBI ने उसे इशू किया है या अभी वो होल्ड पर है। अगर अभी रिफ़ंड होल्ड पर है तो आपको कुछ दिन के लिए वेट करना है, और अगर SBI ने आपका रिफ़ंड इशू कर दिया है और आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो गए हैं, एक महीना लगभग आप मान के चल सकते हैं, अगर एक महीना हो गया है ITR प्रोसेस हुए और रिफ़ंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तब आपको यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। रिफ़ंड स्टेटस को चेक कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अकाउंट में लॉगिन कर लेने के बाद आपको सबसे पहले तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को चेक करना है। इसके लिए हम यहाँ प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है, माय प्रोफाइल, साइड में हमें मिलेगा माय बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिलेंगी और यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि जो भी बैंक अकाउंट आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में दिया हुआ है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर वैलिडेटेड है या नहीं। आपके अकाउंट में इस तरह से वैलिडेटेड एंड EBC इनेबल्ड लिखा हुआ आना चाहिए। अगर EBC इनेबल्ड नहीं लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैलिडेटेड लिखा होना चाहिए, साथ ही एलिजिबल फॉर रिफ़ंड भी लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये वैलिडेटेड नहीं है या इन एलिजिबल फॉर रिफ़ंड लिखा हुआ है तो आपके रिफ़ंड को आने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर चेक कर लेना है, बैंक अकाउंट ठीक है, IFSC कोड ठीक है। अगर बैंक्स का मर्जर हुआ है तो मर्जर के बाद जो न्यू बैंक है उसका IFSC आपको यहाँ पर देना होगा, अगर आपने ओल्ड वाला IFSC दिया हुआ है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। साथ ही बैंक अकाउंट के नीचे यहाँ पर वैलिडेटेड एंड एलिजिबल फॉर रिफ़ंड लिखा होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ग्रीवेंस रेज करेंगे। ग्रीवेंस कैसे रेज किया जाएगा, ऊपर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ग्रीवेंस के लिए, यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कि हम CPC ITR को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, डिमांड, फीडबैक, ITR V, प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेसिंग रुकी हुई है तो हम प्रोसेसिंग पर क्लिक करते हैं। इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन है और इसके बाद एक हेड मिलता है हमें रिफ़ंड, यहाँ पर हम रिफ़ंड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सब कैटेगरी को चूज़ करना है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफ़ंड रिसीव्ड। अगर आपके पास इंटीमेशन आ चुका है लेकिन उसके बाद भी रिफ़ंड नहीं आया है तो आप ये कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिफ़ंड फेल्ड, रिफ़ंड डिटरमिन्ड बट नॉट रिसीव्ड, रिफ़ंड री इश्यू रिक्वेस्ट रेज्ड बट रिफ़ंड नॉट रिसीव्ड, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर इन सब में से कोई भी क्राइटेरिया आपके केस एप्लीकेबल नहीं है तो आप यहाँ पर अदर्स रिफ़ंड को चूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है हमें 23-24, और यहाँ पर हमें ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन देना है कि हम ये ग्रीवेंस क्यों रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट में सिर्फ एक या दो लाइन में यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन देंगे
यहाँ पे हम इतना लिखेंगे, डियर सर, माई इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड। इसके आगे आप डेट दे सकते हैं कि किस डेट को प्रोसेस हुआ है, बट रिफंड नॉट रिसीव्ड टिल डेट, थैंक यू। बस इतना आपको यहाँ पर लिख कर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन डाल देना है। नीचे कोई अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे सबमिट ग्रीवेंस ये हाईलाइट हो जाएगा और हम अपना ग्रीवेंस सबमिट कर देंगे। ग्रीवेंस सबमिट कर देने के 4 से 5 दिन के अंदर आपके पास यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है, जिसमें कि डिपार्टमेंट आपको बता देगा कि आपके आईटीआर में क्या प्रॉब्लम आ रही है या रिफंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपका रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाया है। डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्लाई आप कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हम फिर से ग्रीवेंस पे जाएंगे। यहाँ पर हमें मिलता है व्यू ग्रीवेंस स्टेटस। व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें स्टेटस मिलता है, यानी कि रिप्लाई मिलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से आता है, और उसमें हमें बताया जाता है कि आपका रिफंड अभी तक क्रेडिट क्यों नहीं किया गया है और इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है तो वो भी यहाँ पर बता देगा, और अगर किसी और तरह की प्रॉब्लम है या फिर रिफंड आपका अभी ऑन द वे है, जल्दी ही क्रेडिट होने वाला है, तो वो भी आपको यहाँ पर रिप्लाई में बता दिया जाता है। अगर आपका रिफंड आया था लेकिन फेल्ड हो गया है क्योंकि आपने बैंक अकाउंट गलत दिया था या फिर आपने IFSC कोड दिया हुआ था और आपका रिफंड फेल्ड हो गया, वापस चला गया, तो आप उसे किस तरह से वापस मंगाएंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है चैनल पर। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। आप सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा रिफंड री इशू। यहाँ पर हम क्रिएट रिफंड री इशू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे केस में कोई भी रिफंड फेलियर नहीं है, इसलिए हमें मैसेज आ रहा है यू हैव नो रिफंड फेलियर। लेकिन अगर आपके केस में रिफंड फेल हुआ है, वापस चला गया है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने का। तो आप जिस भी अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं, सेम बैंक के अंदर चाहते हैं जिसका कि आपने अकाउंट नंबर गलत दे दिया था, या फिर किसी और बैंक के अंदर रिफंड लेना चाहते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहते हैं। आप कोई भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं और उसमें आपका ये रिफंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपका ITR प्रोसेस हो गया है लेकिन रिफंड काफ़ी दिनों तक नहीं आया है या अटका हुआ है, तो आप इन मेथड्स के थ्रू चेक कर सकते हैं कि रिफंड को आने में देरी क्यों हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और सबसे पहले अपना रिफंड स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि अभी आपका रिफंड इशू हुआ है या नहीं हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।